बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आज मेरा साथ देंगे मुल्क के मरूफ और मुमताज़ और रोज़नामा पाकिस्तान के कल्चर रिपोर्टर, फिल्म रिपोर्टर हसन अब्बास ज़ैदी। हसन अब्बास ज़ैदी की ज़िंदगी भी अजीब है और बड़े किस्सों से भरी पड़ी है, बड़ी कहानियाँ हैं इसके पास। आज जिस कहानी से हमने पर्दा उठाना है इनकी ज़बानी, और वो कहानी यह है कि नाज़रीन आपको पता है कि पिछले कई रोज़ से जो है वो खलीलुर्रहमान कमर की कहानी वो जो है वो मंजरे आम पर है। आज भी उसका नया मोड़ आया, कुछ 6-7 लोग जो है वो पुलिस के हवाले किए जुडिशल रिमांड पर। तो आज मैंने उनसे ये पूछना है कि खलीलुर्रहमान कमर की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आती है, क्योंकि बहुत सारी रंगीनियाँ हैं नाज़रीन। आमना अजमत से लेकर आमना अरूज तक की कहानी मैंने आज हसन की ज़बानी सुननी है। हसन बताइएगा, आपका तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। तो आपको पता है कि आजकल खलीलुर्रहमान कमर बड़े हिट हैं, और क्या कहानी है ये, एक तो हमें ये बताएं, दूसरा उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें कि कितने इश्क मशूके खलीलुर्रहमान कमर के जो हैं वो उनकी कहानी के सर हैं और उनके सर हैं। शुक्रिया जावेद साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ये कहानी इब्तदा से लेकर इंतहा तक बयान करूं। यस, बात तो बहुत तवील है जो कि एक नशिस्त में मुकम्मल नहीं हो सकती। कोशिश करने की एक नशिस्त में मुकम्मल करें। खलीलुर्रहमान कमर साहब तो हमेशा हुस्न इश्क की जो दास्तान है, दास्तान बने हुए हैं, और उनकी अगर एक इश्क पर तबसरा किया जाए एक पे, तो मेरा ख्याल है कि कई एक साथ होंगी और उनको मुकम्मल अहाते में लाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन चलो कोशिश तो करें, कोशिश करें। इन दिनों एक ही नाम गर्दिश कर रहा है, आमना अरूज। तो आमना अरूज उनकी ज़िंदगी में आई तो बहुत प्यार और मोहब्बत से थी। एक किनवा नंबर है उदा, पंजाबी में कहो किनवा नंबर है उदा। नंबर तो अब मैं गिन नहीं सकता क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं तादाद का तयन करूँ तो मेरे जैसे बंदे को गिनती भूल जाएगी। और हसन आप मुझे ये, हमारे नाज़िम को ये बताएं कि ये किस्सा इश्क़ मोहब्बत का दास्तान जो खलीलुर्रहमान कमर साहब की कहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि ये आमना जो अजमत है वहाँ से शुरू होती है। नहीं नहीं नहीं, आमना अजमत तो बहुत बाद में नाम सुनने में आया, और फिर आमना अजमत एक इंटरव्यू के ज़रिए खलील साहब की ज़िंदगी में शामिल हुई। उनका इंटरव्यू करने गई थी और उसके बाद वो उनकी पर्सनल फोटोग्राफ़र भी बन गई। उनके बच्चे की शादी के मौके पर नज़र आया कि वो कैमरा लेकर खुद भी और अपनी टीम के साथ पूरी कवरेज कर रही थी। गाए बगाए खलील साहब और वो जो है उनकी जो तस्वीरें वो मंजरे आम पे आती रहीं। आमना अजमत जो हैं उनकी बहुत करीब पाई जाती हैं। अब उस तासुर को ज़्यादा तकवीत तब मिली जब खलील साहब आमना अजमत की जो ज़ाती तकारीब थी, ख़ासतौर पर उनकी सालगिरह, उसमें भी मेहमान खसूसी बन के गए जी विद आमना। आमना के साथ स्टे किया उन्होंने। आमना से अगर हम कहें आगाज़ है तो आमना पे ही इंतहा भी हो गई। अगर मैं बात करूँ खलीलुर्रहमान साहब के ख़वातीन से रंगीन मजाजी की, तो कितनी ख़वातीन हैं जो इनके करीब से गुजरी हैं, इनसे सीखा? अशफाक हुसैन। अशफाक हुसैन ने खलील साहब की जो रंगीन मिजाजी है उसको अपने कलम के ज़रिए अखबार की सुर्खियों में जगह दी थी। ये मेरे खबरें में छपा था उसके वाले से। खलील साहब अरसा दराज तक अशफाक हुसैन से नाराज़ रहे, और बाद में उन दोनों की मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई है कि अब वो राज जो शायद आम बंदा नहीं जानता, अशफाक हुसैन साहब जानते हैं। ज़ाहरी तौर पे तो बहुत सारे नाम आए, इतने सारे नाम आए। बताएं हमारे नाज़रीन को कि कौन कौन से नाम आए जो अशफाक साहब ने लिखा, जिन पर वो कौन कौन से? अशफाक साहब ने तो उनकी कहानी में ज़्यादातर जो नाम लिया वो फराह शाह थी, हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। फराह शाह, हाँ जी, और बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, और इन दिनों वो कराची में होती हैं। तो उसके अलावा उन्होंने एक हमारी आर्टिस्ट हैं अंदलीप, जिनके ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था। अंदलीप, हाँ जी, उनकी बहन के साथ भी अशफाक हुसैन साहब ने जो है तस्करा किया,
अपनी खबर में अंदलीप की बहन के साथ भी दोस्ताना रहा। जो आसान आसान बातें हैं, चलो आप डर रहे हैं मुझे लग रहा है, नहीं नहीं मैं आमना आमना खौफज़दा नहीं हूँ, खौफज़दा लग रहे हैं मुझे। नहीं 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 कतन मैं खौफज़दा नहीं हूँ, और अभी और साफ ही नहीं डरता, हाल ही से डरता है, डरने की बात नहीं होती और ना साफ ही खौफज़दा होता है। लेकिन फिर भी देखें, अब तो हमने वही है जो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड तो ईशल प्याज जो उनकी फिल्म की हीरोइन थी, अभी जो उन्होंने आखिरी फिल्म काफ कंगना बनाई, तो उसके साथ भी उनकी प्यार मोहब्बत इश्क की जो दास्तां है वो मंजर आम पे आई। अभी आपने तीन चार नाम बताए हैं कि इनके साथ पाएंगे, इनके साथ पाएंगे, ये अब खुले ना वो नाम बताए हैं, फरा शाह या क्या कहते हैं रिजा का या ईशल फयाज का, जो ऑन रिकॉर्ड हमें मालूम है। खलील साहब के करीब जो भी लोग हैं। अच्छा, ये एक नाम और भी है, एक बहुत बड़ा एक्टर है, उनकी अहलिया मोहतरमा इस दुनिया में नहीं है, नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मिसेज क्रैशी तो कह सकता हूँ, कि उनका घर भी उजाड़ने की कोशिश की, उनका एक बच्चा था इनका। ये मैं तो अब वो दुनिया में नहीं है खातून, नहीं खातून दुनिया में नहीं है, वो किन अदाकार का आप नाम मैं आप उनका नाम ले, मैं कोई शो में नहीं, नहीं, नहीं। आपने कहा है तो मैं मुझे बताएंगे, मिसेज क्रैशी का क्या चक्कर था इनके साथ, मिसेज क्रैशी का, चलो उस मोहतरमा का नाम ले लें, उस मोहतरमा का नाम ले लें। नहीं नहीं, अब मोहतरमा का नाम तो मुझे नहीं पता, अब जहन में आ रहा है कुछ, जहन से निकाल लेना। बहरहाल जिस किसी की भी बेगम के साथ उनका अफेयर रहा था, उनकी बेटी माशाल्लाह इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं और शोबिज में भी उन्होंने काम किया है, और उसके साथ साथ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो इस वक्त मुलाजमत भी कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सारा पता आप नहीं बता रहे हमारे नाज़रीन को, कि वहाँ पे भी इन्होंने हिट किया, नहीं पता वहाँ पे भी खलील साहब ने निशाना लगाया, जैसे आपने मुझे बताया इसी तरह सुना है अपने साथियों से। क्या सुना है बताएं, क्या आपने कहा कोई कुरैशी साहब थे, आप बताएं कुरैशी का नाम क्या है, यानी बहुत छोटी उम्र में मेरे कान में बता दें, उसके बाद नाकाम होकर वो कराची चले गए, कराची के बाद वो फिर एक सुपरस्टार बन गए, और फिर आज जिधर सुने उन्हीं का नाम है, ये आपने मुझे बताया। अच्छा, चले आप ऐसे करें, अगर खलील रहमान से डरते हैं आप तो मेरे कान में आपके करीब करता हूँ, कान में बता दें। नहीं नहीं, खलील साहब से, खलील साहब ऐसे नहीं है, वो कोई इंसानों को खा कर नहीं सोते। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने नुमान एजाज को घटिया कहा अपने इंटरव्यू में, सबा कमर के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल, माहिरा खान के साथ जो है उनकी जो तलखी है, ये कोई ज़हनी मरीज है या वैसे इनका वतीरा है या इनका शौक है, वो कहते हैं मैं असूलों, हर बंदे से इसका तनाजा है, नहीं नहीं होता नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है बात, बहरहाल खैर जावेद साहब आपने मुझे बुलाया और मैं अपनी मालूमात के मुताबिक जो कुछ बता सकता था आपको बताया। अभी आपने दूसरे हम इसके पार्ट टू में भी जाएंगे।